अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। पेन किलर बनाने का तरीका देखिए। अजवाइन जो कि हमेशा से बहुत अच्छी थी और जो कि हम भूल चुके थे, अजवाइन को साबुत भी डाल सकते हैं और अजवाइन का ये पाउडर बना लिया। और ये लिया है मैंने घी, प्योर देसी घी। इसमें सिर्फ अभी मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, कोई भी पुरानी देगची लें जो स्टील की देखिए ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैंने घी को कर लिया है हल्का सा गर्म और अब मैं ये सब डालूंगी, कम से कम ये 2 चम्मच, ठीक है। और इसको सिर्फ मध्य आंच पर रखना है, इसमें चूल्हा नहीं जला के रखना है और बस इसको हल्का हल्का भूनना है और इसी का अरोमा निकालना है। जब ये बिल्कुल काली हो जाएगी तो फिर हम इसको मसाज के लिए करेंगे, रगों पट्ठों के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में जब बहुत ज़बरदस्त चिक आई थी तो चिक की वजह से मैं बहुत परेशान थी। काफ़ी देर देखें घी है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। पहले थोड़ा सा बना लें और फ़ायदा हो तो फिर आप देखिएगा आपको एक दिन में फ़र्क नज़र आएगा सिर्फ एक मसाज से, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ठंडे उसके ऊपर पकाना है, बहुत ही टाइम 15 मिनट कम से कम ये जलाने में लगेगा। अभी मैंने 2 चम्मच घी लिया था, अब मैं इसमें 1 चम्मच और डाल लेंगे, ठीक है। बस आपने इसे मध्य आँच पर बनाना है। आप देखिएगा कि ये स्वेलिंग तक को उतार देती है अजवाइन जो है। जब मेरे बच्चे हुए थे तो अजवाइन के पानी से हम 40 दिन नहाए और कभी दर्द नहीं हुए, लेकिन और ना ही सूजन आई ना मोटापा आया। लेकिन जैसे जैसे हमने इसे छोड़ दी और हम भूल गए तो ये हमारे लिए मुसीबत बन गई। अब दवाइयाँ खाने से कोई फ़ायदे नहीं होते और नुकसान होता है, मैदे को बेचारा मैदा परेशान हो जाता है। तो बहरहाल मैं ये बना रही हूँ और आप यूज़ करके देखिएगा। मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक रेसिपी आपको बना के बताऊं। तो ये ऑयल जो है ना, अजवाइन के ऑयल भी होता है लेकिन ऑयल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। घी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, हमेशा मसाज होता था पहले, अब तो तरह तरह के ऑयल आ गए हैं लेकिन घी जो है ना बेस्ट है। रात मैंने साबित अजवाइन इसके अंदर भर ली थी और इसी को डुबो डुबो के ऐसे कर करके ना जिस्म पे मसाज करें, और ये गर्म गर्म होता है तो और भी अच्छा लगता है। तो गर्म गर्म में ही ये अजवाइन बनाई और इस ऑयल को इसमें डालने के बाद, आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं पोटली ना इसकी इतनी सारी, क्योंकि मेरे पास अजवाइन है कम, क्योंकि ये मैं कनाडा से लाई थी और क्रोएशिया में अजवाइन मिलती नहीं है, तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इतनी बड़ी पोटली भी बना लें। लोग जो बहुत बड़े फेमस लोग होते हैं भाई, जिनके पार्लर होते हैं, मसाज सेंटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, वो लोग अपने अजवाइन और ये जो होती है अपनी अदरक, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अजवाइन सबसे बेस्ट है। ये खा लें तो बदहजमी का ख़त्म कर दीजिए। वैसे फिर इस ऑयल को मैं जब इसमें डालूंगी तो ऐसे डिप कर करके ना मैं बॉडी पे लगाऊंगी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये इस तरह की छोटी सी पुड़िया आपके पास बहुत सारी तो इतनी बड़ी बनाएं वो तो और ज़बरदस्त होगा। क्योंकि कंजूसी मैंने थोड़ी सी इसलिए की है कि अजवाइन मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं और ये गैस वगैरह के लिए कभी चूरन बनाने के काम में आ जाती है, और चूरन बना के रखती हूँ मैं और अपने मियाँ को देती हूँ क्योंकि अक्सर उनको गैस की शिकायत हो जाती है, तो बहुत ही आराम आता है। अब ये देखें तेल जो है ना, ऑयल हमारा पूरा हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। ये देखें छान के, अभी गरम गरम है फूल, सही है। अभी देखें कितना अच्छा बन गया है, इसको हम इधर रख देंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो ऐसे ले लेके ना, तब देखें हाँ भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्माहट, फिर ऐसे ऐसे जॉइंट पेन पे इधर उधर का भी। खूब गर्म है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के करके लगा सकते हैं, सही है। तो फिर आप मसाज भी कर सकते हैं हाथ से भी, वैसे भी घुटनों में कलाइयों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर वर्म उतारती है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये वर्म उतारती है। आप इसे गुनगुना करके ऐसे ऐसे खूब गर्म गर्म है, बस जितना बर्दाश्त कर सके उतना ऐसे ऐसे करके लगाएं, पूरे हाथों पे ऐसे जॉइंट के ऊपर हर तरह से आप लगा सकते हैं, समझे। चलो इंशाल्लाह।